नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। पिछले कुछ सालों का डेटा ये तो दिखा सकता है कि ट्रेन एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, लेकिन क्या इन हादसों में हुई मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है? और क्या मारे जाने वाले लोगों को आंकड़ों में सीमित कर देना चाहिए? ओडिशा की रेल दुर्घटना में कम से कम 275 लोगों की जान चली गई, 900 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई लोगों के लिए ये उम्र भर तक साथ रहने वाली चोट है। जो शुरुआती रिपोर्ट है वो बताती है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन में जाने का सिग्नल मिलना चाहिए था, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में चली गई और वहाँ पहले से खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे, जिससे हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई। एक तरह से ये सिग्नल से जुड़ा एरर बताया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या। देखिए, रेलवे ट्रैक पर कई मूवेबल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें स्विच रेल्स भी कहा जाता है। इन पॉइंट के जरिए ही ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी लगे होते हैं। इन सर्किट से पता चलता है कि ट्रेन ट्रैक पर है या नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ से कोई और ट्रेन सेफली गुजर सकती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, सर्किट हैं और सिग्नल हैं, इन सब को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। मान लीजिए कोई दो ट्रेन गलती से एक ही पटरी पर हों तो ये सिस्टम पहले से ही आगाह कर देगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस कैसे एक दूसरे ट्रैक पर चली गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या ये ह्यूमन फेलियर है या टेक्निकल फेलियर, ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि रेलवे बोर्ड के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि ट्रेन के घायल ड्राइवर ने उन्हें बताया कि जब उसे ग्रीन सिग्नल मिला तभी ट्रेन आगे बढ़ी है। तो फिर ये हुआ कैसे? रेल सेफ्टी का मामला इतना सिंपल नहीं है। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे लंबे रेलवे सिस्टम में से एक है। सोचिए, 1,00,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क और लगभग 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल से सफर करते हैं। अब भी देश की बड़ी संख्या के लिए ट्रेन ही लाइफलाइन है। लाजमी है कि इस लाइफलाइन में लाइफ की सेफ्टी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। पर क्या ऐसा है? भारत में होने वाले रेल हादसों पर, उसकी कमियों पर अगर सिर्फ सरकारी रिपोर्ट से खंगाली जाएं, तो भी समझ आ जाएगा कि रोजाना 2.5 करोड़ लोग किन हालात में सफर करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि रेल दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? रेल हादसे होने की एक बड़ी वजह है ट्रेन डीरेलमेंट, यानी ट्रेन का पटरी से उतर जाना। एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 70% हादसे इसी वजह से होते हैं। और ट्रेन डीरेलमेंट क्यों होती है? रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस इसकी सबसे बड़ी वजह है। रेल की पटरी मेटल की बनी होती है। मेटल गर्मी में फैलता है, सर्दियों में सिकुड़ता है, इसलिए इसको रेगुलरली मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। नियम यह है कि 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली ट्रेनों के रूट को हर 3 महीने में इंस्पेक्ट किया जाना ज़रूरी है। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस रूट पर थी, वहाँ भी कम से कम 3 महीने पहले इंस्पेक्शन किए जाने का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक के पुराने होने पर उन्हें बदलना ही पड़ता है। अब देखिए, रेल मंत्रालय का 2015 का एक वाइट पेपर, इसमें बताया गया है कि हर साल 4,500 किलोमीटर ट्रैक बदलने की ज़रूरत है, लेकिन फंड की कमी से पिछले 6 साल से ये टारगेट पूरा ही नहीं हो पा रहा। अब ऐसा लग सकता है कि 2015 के बाद इस पर काम हुआ होगा, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट कुछ और कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक रिन्यूअल यानी ट्रैक को बदलने का बजट हर साल कम होता जा रहा है, और जो बजट है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि साल 2017 से लेकर 2021 तक 1,127 डीरेलमेंट के केस हुए, जिसमें से 289 ट्रैक रिन्यू ना होने की वजह से हुए थे। हालांकि रेल मंत्री का दावा है कि 8,000 किलोमीटर ट्रैक हर साल अपग्रेड किए जा रहे हैं। इस पूरी बात का सार ये है कि ट्रैक बदलना है, उसे मेंटेन करना है, इंस्पेक्ट करना है, ट्रैक फेलियर डिटेक्ट करना है। इसमें मैन पावर भी चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी, और उसके लिए चाहिए पैसा, फंड। मालगाड़ियां तो अक्सर डीरेल होती रही हैं, वो तो सुर्खियों में भी नहीं आती। अभी अप्रैल में ही मध्य प्रदेश के शहडोल में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर एक खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई, एक लोको पायलट की मौत हो गई, 5 और रेलवे स्टाफ घायल हुए, 10 और ट्रेन उस रूट पर कैंसिल करनी पड़ी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं होती, एक RTI के मुताबिक अगर एक डीजल पर चलने वाली मालगाड़ी सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुकती है तो रेलवे को 13,334 रुपये का नुकसान होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन 1 मिनट के लिए भी रुकती है तो 20,459 रुपये का नुकसान होता है। बाकी हिसाब आप लगा लीजिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की।
इस हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ट्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंटी कोलिजन डिवाइस होता है, जो दो ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए सबसे जरूरी होता है। संदीप पाठक रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 1400 किलोमीटर ट्रैक पर ही ये डिवाइस लगा है। ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के सामने ही बोल दिया कि ये जो कवच सिस्टम की बात हो रही थी वो क्यों नहीं था इस हादसे वाले रूट पर, वो होता तो ट्रेन आपस में ना टकराती जैसा कि इस कवच सिस्टम का दावा है। लेकिन रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा ने कहा है कि अगर कवच इस रूट पर होता भी तो भी इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अचानक एक तेज स्पीड ट्रेन के सामने आ जाए तो दुनिया की कोई तकनीक दुर्घटना से नहीं बचा सकती। साथ ही वे ये भी कहती हैं कि ये रातों रात हो जाने वाला काम नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। कवच सिस्टम भारत में ही बनाई गई तकनीक है और पिछले साल ही इसे टेस्ट भी किया गया, लेकिन ये एंटी कोलिजन डिवाइस ही है और एंटी कोलिजन डिवाइस पर काम पिछले कई सालों से चल रहा है। जैसे 2007 का लोकसभा में पूछा गया सवाल देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर वेलू ने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कुछ रूट्स पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगा दिया गया है, 92 करोड़ का खर्चा आया है। फिर 2012 में भी राज्यसभा में ऐसे एक प्रश्न का उत्तर दिया गया, कहा गया कि 5160 किलोमीटर के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस का काम शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी भी कह रही थी कि उन्होंने भी अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में एंटी कोलिजन डिवाइस लगवाने शुरू किए थे। तो इस बीच जितनी भी सरकारें आई ये काम तो पूरा अब तक नहीं कर पाई। अब 34,000 किलोमीटर का ट्रैक कवच के अंतर्गत लाने की बात हो रही है। दावा है कि कवच सिस्टम दुनिया का सबसे सस्ता सिस्टम है। सस्ता होने के बावजूद इसे ऑपरेट करने का खर्च 30 से 50 लाख प्रति किलोमीटर है। तो सोचिए इस 34,000 किलोमीटर ट्रैक को कवर करना कितना महंगा होगा। रेलवे को लेकर हमेशा फंड की कमी की बात होती है, इसलिए फिर कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि हम बुलेट ट्रेन लाने पर खर्च क्यों कर रहे हैं। अब ये तो सरकार ही तय करेगी, अगर उसके पास इतना ही फंड है तो उस फंड का इस्तेमाल कहाँ करे, क्या है प्राथमिकता। इतनी सारी रिपोर्ट्स पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं, कमेटीज बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी जनता और सरकार के बीच नीतियों पर चर्चा के लिए किसी बड़े हादसे का ही इंतजार